नमस्कार दोस्तों, क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है पाइप एंड सिस्टम्स। इसमें रेलवे में हर साल एक से दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ पाइप एंड सिस्टम से, ठीक है। इससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर यूज टूगेदर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि पाइप ए कितना समय लेता है, 20 मिनट, और पाइप बी लेता है मेरा 30 मिनट। तो देखिए, पाइप ए लेता है 20 मिनट और पाइप बी जो है वो 30 मिनट लेता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, तो दोनों का एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। अब दोनों का 1 मिनट का एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 को भाग कर देंगे 20 से, तो इसका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी निकल गया 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 60 को भाग दे देंगे 30 से, इससे बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया मेरा, 2 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, मुझे पूछा जा रहा है कि अगर दोनों का दोनों पाइप अगर खोला, एक साथ खोला गया, ठीक है, तो जो टैंक है वो कितनी देर में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग कंबाइंड लेते हैं तो देखिए, यहाँ पे 3 यूनिट, एक कितना यूनिट का काम करता है, 3 यूनिट, यहाँ बी 2 यूनिट का, तो दोनों मिला के मेरा कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का। तो मेरा क्या हो जा रहा है कि 1 मिनट में जो है 5 यूनिट का काम कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर 5 यूनिट का काम करता है, तो 60 यूनिट जो काम है वो कितने मिनट में करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 को भाग दे देंगे हम लोग 5 से, मेरा कितना आ जाएगा, 12 मिनट, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 12 मिनट, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, ठीक है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपेंड, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक एक टैप को अगर खोला जाता है, तो वो 6 घंटा में कोई टैंक को फिल कर देता है, ठीक है। तो जब हाफ टैंक फिल हो जाता है, तो उसके बाद क्या करता है कि तीन एक ज, उसी के जैसा 3 और टैप हम लोग खोल देते हैं, ठीक है। तो खोलने के बाद क्या होता है कि हम लोगों को पूछा गया कि कितने देर में मेरा टैंक जो है पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखा गया है, यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ सिमिलर पाइप यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टोटल वर्क डन कितना लेंगे, टोटल वर्क डन यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ टोटल वर्क डन लेंगे मेरा 6 यूनिट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हाफ टैंक फिल्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो हाफ टैंक मतलब 3 यूनिट मेरा फिल हो चुका है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो मेरा बच जाएगा, रिमेनिंग वो कितना है, 3 यूनिट बच जा रहा है, ठीक है, 3 यूनिट बच जा रहा है। तो रिमेनिंग 3 यूनिट को मेरा कौन फिल करेगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक पाइप खुला हुआ है, ठीक है। फिर 3 और पाइप खोला जा रहा है, मतलब 4 पाइप, ठीक है, 4 पाइप टोटल खोला जा रहा है, टोटल 4 पाइप्स ओपन, ठीक है, ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टैप ए जो है वो क्या कर रहा है, हाफ फिल कर रहा है टैंक को। तो हाफ फिल कितना देर में करेगा, ये 6 घंटा में पूरा फिल कर रहा है, तो हाफ फिल कितने घंटा में करेगा, 3 घंटे में, ठीक है। तो हाफ फिल होगा मेरा कितना में, 3 आवर में, ठीक है। और रिमेनिंग जो यहाँ पे 3 यूनिट का जो है वो मेरा कौन कर रहा है, 4 पाइप्स मिलके कर रहा है। तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना मेरा समय लगेगा भरने में, अगर 4 पाइप्स को ओपन करेंगे तो मेरा समय जो है वो लग जाएगा मेरा 3/4, ठीक है।
क्योंकि 3 यूनिट का मेरा काम बचा हुआ और 4 को मिलके मेरा काम को पूरा कर रहा है, तो यहाँ पे 3/4 ये हो जाएगा ये आवर, ठीक है। तो टोटल मेरा टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल टाइम जो है यहाँ देखिए ये 3 आवर और ये प्लस 3/4 आवर, ठीक है। यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 3 आवर, और 3/4 आवर का मतलब कितना आता है, 45 मिनट्स, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 2 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। तो बोला जा रहा है कि द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन, कितने देर में लीक जो है पूरा का पूरा वाटर को ड्रेन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो मान लेते हैं कोई टैंक है ए, ठीक है, तो वो फिल कितना कर रहा है मेरा, 2 घंटा में फिलअप कर रहा है कोई टैंक को, ठीक है। अब यहाँ पे लीक होने के कारण वो क्या कर रहा है, 2 2 1/3 आवर में कोई टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है। तो लीक मान लीजिए कि लीक जो है वो मेरा पाइप, वो मेरा किसके कारण हो रहा है, बी के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए प्लस बी, अब ये कितने देर में हो जा रहा है, अब ये 2 1/3, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7/3, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 14, ठीक है। दोनों का एलसीएम हो गया मेरा 14। अब दोनों का 1 आवर का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितना यूनिट का काम करेगा, तो 1 आवर में ए कितना करेगा मेरा, 7 का करेगा, 7 यूनिट का काम करेगा। और ये जो है ए प्लस बी मिलके कितना करेगा मेरा, 6 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, मेरा क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी जो है वो मेरा कितना आ गया 6, और मेरा जो ए दिया हुआ है वो मेरा कितना आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ 7 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। 7 को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो बी मेरा कितना आ जाएगा, 6 - 7 यानी कि -1, यानी कि 1 मिनट 1 आवर जो लगता है इसको ड्रेन करने में लगता है कोई टैंक को, पूरा पूरा टैंक को 1 आवर लगता है ड्रेन करने में, ठीक है। तो 14 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया, ठीक है, 1 यूनिट। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा 14 यूनिट को कितने देर में मेरा जो है ये खाली कर देगा, ठीक है। तो 14 यूनिट को कितने देर में खाली करेगा, तो 14 यूनिट को मेरा कितने देर में खाली करेगा, यहाँ पे 14/1 यानी कि आ जाएगा 14, यानी कि आंसर मेरा हो जाएगा 14 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर्स, ठीक है। मान लीजिए कोई सिस्टर्न है उसको दोनों मिलके कितने देर में भर रहा है, 4 घंटे में, ठीक है। हैड दे ओपेंड सेपरेटली बी वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन ए टू फिल द सिस्टर्न। अगर दोनों को अलग अलग खोला गया, ठीक है, तो यहाँ देखा जा रहा है कि बी जो है वो 6 घंटा ज़्यादा ले रहा है ए से, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई ए टू फिल द सिस्टर्न, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे, मेरा दिया हुआ है क्या क्या, ए प्लस बी जो है वो कितने देर में फिल कर रहा है, 4 घंटे में, ठीक है। अब दोनों अगर सेपरेटली अगर करेंगे तो बी यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 घंटा ज़्यादा लेता है ए से, ठीक है। तो ए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कि ए जो है, ए मान लेते हैं एक्स आवर्स लेता है, ठीक है, एक्स आवर्स लेता है कोई टैंक को फिल करना, ठीक है। तो बी यहाँ पे कितना लेगा, बी यहाँ पे एक्स प्लस 6 आवर्स लेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का दिया हुआ है मेरा एक्स, बी जो है वो एक्स प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, एक्स एक्स प्लस 6। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 आवर का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, दोनों का ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मेरा, एक्स प्लस 6, ठीक है, क्योंकि ये पूरा को हम लोग भाग दे देंगे किससे, एक्स से, तो एक्स एक्स कट जाएगा और मेरा कितना बच जाएगा, एक्स प्लस 6, ठीक है।
फिर यहाँ बी का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी मेरा आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि दोनों मिलके जो है वो 4 घंटा में कोई जो सिस्टम है उसको फिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंबाइंड अगर हम लोग लेते हैं तो कंबाइंड मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ 6 + x + x यानी कि कितना हो जाएगा, 6 + 2x, ठीक है। तो 6 + 2x आ गया मेरा टोटल, ठीक है। तो अब हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ 4 घंटे में फिल कर देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ टोटल वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों का ए और बी का कंबाइंड हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो मेरा क्या यहाँ पे 4 घंटा दिया हुआ है, कंबाइंड करके कितना 4 घंटा में पूरा करता है, 4 घंटा में फिल करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को अब कुछ नहीं करना होगा, यहाँ देखिए हम लोग क्या कैसे करेंगे, एक्स एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई 6 + 2x, ठीक है, बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है, तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x² + 6x बराबर 24 + 8x, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, x² - 2x - 24 = 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स का क्या वैल्यू आएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरा 6 और -4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम निगेटिव में होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है ए का हम लोग लिए थे x आवर्स, ठीक है, तो ए टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा, 6 आवर्स, ठीक है, आंसर हो जाएगा 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय द 3 पाइप्स ए बी एंड सी, द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड पाइप बी इज ट्वाइस ट्वाइस एज फास्ट एज ए, तो हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, ठीक है। तो दिया हुआ है कि तीनों टैंक मिलके कितने देर में फिल कर रहा है, तीनों टैंक जो है मिलके 5 घंटे में कोई टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या दिया हुआ है, सी जो है वो बी से दुगना एफिशिएंट है, दुगना माने फास्ट है, ट्वाइस फास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है फिर कि बी और ए में बी जो है दुगना फास्ट है ए से, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, ठीक है। कंबाइंड रेशियो में क्या करेंगे हम लोग, सी इज टू बी इज टू ए निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे बी जो है यहाँ 2 है, यहाँ बी जो है 1 है, तो इसको भी पहले 2 बनाएंगे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से अगर गुना करेंगे तो ये मेरा किस पे चेंज हो जाएगा, 4:2 पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 4:2:1, ठीक है। इसको एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ देखिए बी इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ भी बी इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइंड अब हम लोग कर सकते हैं, तो इसीलिए मेरा जो रिक्वायर्ड रेशियो है ये आ जाएगा 4:2:1, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है कि हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, ए कितना समय लेगा वो टैंक, वही टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि कंबाइंड हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, तो कंबाइंड कितने, देखिए हर एक जो है वो यहाँ पे सी जो है वो 4 यूनिट का काम करता है, बी 2 यूनिट का और ए 1 यूनिट का काम करता है, ठीक है। तो कंबाइंड मेरा टोटल कितना यूनिट का काम करेगा, मेरा 7 यूनिट का काम करेगा, ठीक है। 7 यूनिट का काम करेगा कितने देर में, 1 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, देखिए कंबाइंड जो है 5 आवर का काम करता है लोग, ठीक है। तो मेरा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 7 से, ठीक है, मेरा वर्क डन आ जाएगा 35, ठीक है। टोटल वर्क डन आ गया मेरा 35, टोटल वर्क डन कितना आ गया मेरा, 35 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देखिए कि अब हम लोग को निकालना क्या है कि ए अलोन कितना देर में फिल करता है, ठीक है। तो 1 आवर में ए कितना फिल करता है,
एक यूनिट का, ठीक है। तो 35 यूनिट कितने देर में फिल करेगा? 35 यूनिट डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे हम लोग, तो ये निकल जाएगा मेरा 35 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री टैप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 एंड 20 आवर्स। दिया हुआ है कि ए जो है वो 12 घंटा में कोई टैंक को फिल करता है, बी वही टैंक को 15 घंटा में, और सी जो है वही टैंक को 20 घंटा में फिल करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो या इसका क्या करेंगे, अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 60/12 इसका हो जाएगा 5 यूनिट, इसका कितना हो जाएगा बी का 60/15 यानी कि 4 यूनिट, और इसका कितना हो जाएगा 60/20 यानी कि हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर अल्टरनेटिवली द टैंक विल बी फुल इन। मतलब कहा जा रहा है कि ए और बी पहले आवर में, फर्स्ट आवर में ए बी मेरा चालू रह रहा है, ठीक है। सेकेंड आवर में जो है वो मेरा ए और सी चालू रह रहा है, फिर थर्ड आवर में ए और बी चालू रह रहा है। तो इसी तरह करके सीरीज चलता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेंगे पहला आवर में कितना यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का और बी का देख लीजिए, यहाँ पे ए कितना यूनिट का काम करता है, 5 यूनिट का, बी कितना यूनिट का काम करता है, 4 यूनिट का। तो 5 और 4 मिलके कितना हो गया यहाँ पे, 9 यूनिट, ठीक है। सेकेंड आवर में देखते हैं हम लोग कितना यूनिट का काम पूरा हो रहा है। देखिए ए कितने यूनिट का काम कर रहा है, 5 यूनिट का, सी कितने यूनिट का काम कर रहा है, 3 यूनिट का। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 8 यूनिट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 2 आवर में मेरा टोटल कितना हो रहा है, 17 यूनिट का काम पूरा हो रहा है, ठीक है। और टोटल मेरा कितना वर्क डन है, मेरा 60 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके करीब करीब हम लोग को पहुंचाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो मेरा 17 * 3 = 51 आ जाएगा, 51 यूनिट का काम हो जाएगा। और इसको भी 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 6 आवर हो जाएगा। 6 आवर में मेरा क्या हो गया, 51 यूनिट का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को कितना रिमेनिंग बच गया, 9 यूनिट का काम। तो 9 यूनिट का काम जो है 7वें घंटे में कौन मिलके करेगा, ए और बी मिलके करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे +9 दे देते हैं, और ये कौन करेगा, मेरा ए और बी मिलके करेगा, तो ये, और इसमें +1 घंटा दे देते हैं, यानी कि टोटल मेरा हो जाएगा 7 आवर, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड अ वेस्ट पाइप कैन इम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट। सबसे पहले दो पाइप ले लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो पाइप ले लेते हैं। ये कितने देर में फिल करता है, मान लीजिए 20 मिनट इसका ले लेते हैं, इसका 24 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं, तो मेरा दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। फिर दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 120/20 यानी कि इसका 6 यूनिट, और इसका 120/24 यानी कि इसका आ जाएगा मेरा 5 यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऑल द थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए एक वेस्ट पाइप भी है, ये क्या करेगा, वेस्ट पाइप मेरा पानी को जो है निकालेगा सर, ठीक है, और ये दोनों मिलके भरेगा, ठीक है। तो हम लोग एक वेस्ट पाइप ले लेते हैं सी, ठीक है। वेस्ट पाइप जो है, वेस्ट पाइप हम लोग क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों मिलके यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने देर में फिल कर रहा है, 15 मिनट में, ठीक है। तो इसका भी कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, 120/15 करते हैं, तो 120/15 अगर करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, हम लोग को सी का पता नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरा ए प्लस बी प्लस सी जो है मेरा 8 है, और ए और बी कितना मेरा हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस
प्लस सी इक्वल टू 8, यानी कि सी इक्वल टू मेरा हो जाएगा 8 माइनस 11 यानि कि -3। ठीक है, माइनस यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये जो है ये एक वेस्ट पाइप है। ठीक है, ये जो है सी जो है एक मेरा वेस्ट पाइप है। ठीक है, तो ये कितना लीक कर रहा है, 3 यूनिट लीक कर रहा है। ठीक है, तो 3 यूनिट लीक कर रहा है 1 आवर में। ठीक है, 1 मिनट में मेरा 3 यूनिट लीक कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि 120 यूनिट जो है वो कितने मिनट में लीक करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 120 बटा 3 दे देंगे, यानी कि मेरा 40 मिनट में सी जो है वो 40 मिनट में लीक करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि द कैपेसिटी ऑफ द टैंक हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है वेस्ट पाइप जो है वो इम्पटी कर देता है 3 गैलन्स पर मिनट। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे देखा जा रहा है कि देखिए इम्पटी अगर करता है तो वेस्ट पाइप कौन सा है, मेरा सी है। ठीक है, सी वही वही जो टैंक है उसको 40 मिनट में खाली कर दे रहा है, और 1 मिनट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट में जो है 3 गैलन खाली करता है। तो अगर 1 मिनट में 3 गैलन खाली करेगा तो 40 मिनट में कितना गैलन खाली करेगा, गुने 3 कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 120 गैलन खाली करेगा, यानी कि कैपेसिटी हो जाएगा मेरा कितना, कैपेसिटी जो है वो टैंक का हो जाएगा मेरा 120 गैलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर एंड 4 आवर। तो हम लोग वही प्रोसेस अपनाते हैं, ए जो है कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में, बी वही टैंक को कितने देर में भरता है, 4 घंटे में, दोनों के एलसीएम लेते हैं 12 आ जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी पहले निकालते हैं, तो एफिशिएंसी इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा मेरा, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2 12/6 यानी कि 2, और इसका एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी कितना आएगा मेरा 12/4 यानी कि आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ़ दे आर ओपेंड ऑन अल्टरनेट आवर्स, इफ पाइप ए इज ओपेंड फर्स्ट इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक शैल बी फुल। ठीक है, तो स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट ए से हो रहा है, तो फर्स्ट आवर में मेरा कौन फिल करेगा, ए करेगा यानी कि 2 यूनिट, सेकेंड आवर में बी करेगा यानी कि 3 यूनिट का। ठीक है, तो देखिए 2 आवर में मेरा कम कितना यूनिट का काम हो जा रहा है, 5 यूनिट का, कैसे 2 और 3 मिलके हो जाएगा 5 यूनिट का। ठीक है, मेरा टोटल कितना है, 12 यूनिट है, इसके करीब करीब हमको पहुंचना है, तो इसको क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी हमको 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ हो गया मेरा कितना 10 यूनिट, और यहाँ कितना हो गया मेरा 4 आवर। ठीक है, अब तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 घंटा का यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो 4 घंटा में मेरा कितना यूनिट का काम हुआ, 10 यूनिट का, तो रिमेनिंग कितना बच चुका है, 2 यूनिट बच चुका है, तो 2 यूनिट जो है 5वें घंटा में कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है मेरा ए से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना लग जा रहा है, 4 और 1 5 घंटा। ठीक है, टोटल हो जाएगा 5 आवर। ठीक है, 5 आवर में मेरा टोटल हो जा रहा है 12 यूनिट का काम हो जा रहा है, कैसे 10 प्लस 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 5 आवर। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है कि 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर। ठीक है, इफ टुगेदर द पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, देन द स्लोअर पाइप एलोन will be able to fill the tank in, ठीक है, in कितना होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो faster pipe है उसको हम लोग मान लेते हैं A, ये faster है। ठीक है, अब B जो है उसको ले लेते हैं slower pipe। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A is to B का मेरा एफिशिएंसी, यहाँ पे ए इज टू बी का मेरा रेशियो दिया हुआ है 3:1। ठीक है, क्योंकि ये 3 गुना स्पीड से मेरा काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इफ़ टुगेदर द टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, टुगेदर यानी कि ए प्लस बी जो है वो कितने देर में,
36 मिनट लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए इज टू बी का यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है, यानी कि 1 मिनट में ए जो है 3 यूनिट का काम कर रहा है और बी 1 मिनट में 1 यूनिट का काम कर रहा है, यानी कि कंबाइंड मेरा जो है ए प्लस बी दोनों कंबाइंड मिलके मेरा 1 मिनट में कितना यूनिट का काम कर रहा है, 1 मिनट में जो है वो मेरा 4 यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, 4 यूनिट का काम पूरा कर रहा है। तो अगर 1 मिनट में 4 यूनिट का काम पूरा करेगा तो 36 मिनट में कितना यूनिट का काम पूरा करेगा, तो इसको गुणे चार कर देते हैं हम लोग, तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा टोटल यहाँ 144 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द स्लोअर पाइप एलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। तो स्लोअर पाइप क्या है, कौन सा है मेरा, यहाँ पे स्लोअर पाइप है मेरा बी, तो बी 1 मिनट में मेरा कितना यूनिट का काम कर रहा है, 1 यूनिट का, तो 144 यूनिट कितना देर में फिल करेगा वो, तो 144/1 कर देते हैं, तो यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा मेरा 144 मिनट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।